हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम खुद ही घर पर अपने बालों को कलर कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा, आसान भी पड़ेगा, आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं पर भी। और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आज, ये है बी ब्लंट का सैलॉन सीक्रेट हाई शाइन क्रीम हेयर कलर। और इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप जो भी ह्यू और टिंट अपने बालों में चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, साथ के साथ आपके सफ़ेद या ग्रे बाल जो हैं वो भी बहुत अच्छे से छिप जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 185 रुपीज़ का है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको ख़रीदने का जो लिंक है वो मैं आपके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने जो कलर लिया है वो शेड है हनी, ये लाइट गोल्डन ब्राउन है। बेसिकली बी ब्लंट हेयर कलर का काम है बालों को कलर करना, जो ग्रे हेयर है, वाइट हेयर है, उनको अच्छे से कवर कर देना, ताकि आपके ओवरऑल बाल जो है वो बहुत ही अच्छे लगे। इसका एक बहुत अच्छा स्पेशल फीचर है। यूजुअली क्या होता है ना कि जो भी हम हेयर कलर लेते हैं, हेयर कलर में हमको मिलता है एक डेवलपर, साथ में हमको मिलता है एक कलरेंट। लेकिन ये बी ब्लंट वाले सैलॉन सीक्रेट हेयर कलर में हमें साथ में मिल रहा है शाइन टॉनिक। शाइन टॉनिक जो है वो बालों की जो शाइन है उसे रिस्टोर करता है, कलर्स करने की वजह से जो बालों में ड्राइनेस आ सकती है वो ड्राइनेस आने से ये रोकता है। बाल आपके रूखे सूखे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी ट्यूब भर करके ये हाई शाइन टॉनिक मिल रहा है, जो कि हमें इन दोनों ट्यूब्स के प्रोडक्ट के साथ मिला करके फिर अपने बालों में लगाना है। मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के थे, ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा सा जो लाइट ब्राउन शेड मुझे बहुत पसंद है वो मुझे मिल गया है। बेसिकली इन्होंने दिखाया भी हुआ अपने बॉक्स के पीछे कि ब्लैक हेयर पे कैसा कलर आएगा, ब्राउन हेयर पे कैसा कलर आएगा और ग्रे हेयर के ऊपर कैसा कलर आएगा। और मुझे लगता है कि एग्जैक्टली सही इमेज है, बिकॉज ये जो पीछे इन्होंने तीन दिखाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उसी के हिसाब से कलर आया है। और एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें अमोनिया नहीं है, तो अमोनिया की वजह से बालों में आपके डैमेज जो है वो नहीं हो पाएगा। आपके लिए ये कलर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे लिए ये फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं कि एक तो इसमें हाई शाइन टॉनिक है, इसमें अमोनिया भी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने में। एक और जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर किसी को पूरे के पूरे बाल हमेशा नहीं कलर करने होते हैं, सिर्फ सिर में जब आने लगते हैं, वाइट हेयर आने लगते हैं, तो बस रूट्स को टचअप करना होता है, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ मेंशन करा हुआ है कि यहाँ तक 25 ग्राम है, यहाँ तक ऐसे है, तो उस तरह से आप उतना भी निकाल सकते हैं, उतना उतना तीनों का क्वांटिटी आप बराबर ले सकते हैं। इन्होंने कुछ उसके लिए भी डायरेक्शंस जो है वो स्पेसिफिकेशंस हल्का सा इस पर दिया हुआ है, तो आप अपना फिर अच्छे से कैप बंद करके रख दें और आप बाद में इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है अपने बालों पे करके दिखाने वाली हूँ, अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूँगी एक्सप्लेन कर दूँ। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। अब मैंने अपना पुराना टी शर्ट पहन लिया है बिकॉज मैं कलर करने जा रही हूँ, एंड बी ब्लंट का ये जो बॉक्स है वो मैंने ले लिया है, डेवलपर, कलरेंट, शाइन टॉनिक और साथ के साथ इसमें मैनुअल भी मिलता है, जिसके अंदर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से बताई होती है। आपको ग्लव्स भी मिल जाएंगे, तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफिशियंट होता है ये सारा सामान। बस आपको एक सिरेमिक बाउल, प्लास्टिक बाउल चाहिए होगा, मेटालिक बाउल में नहीं डालना है। मैं बाउल में डेवलपर, कलरेंट और शाइन टॉनिक पूरे पूरे डाल रही हूँ, और डेवलपर जो है वो कलर को डेवलप करने में हेल्प करेगा, कलरेंट बालों को कलर करेगा, शाइन टॉनिक शाइन को रीस्टोर करेगा। बिकॉज मैंने अपने पूरे बालों को कलर करना है, टचअप नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने पूरे की पूरी क्वांटिटी बाउल में ले ली है। इसको मिक्स कर लें, एक मिनट बाद अच्छा क्रीमी सा कंसिस्टेंसी आ जाएगा। आपके कलर पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कलर बनता है, मेरा वाला क्रीम बना है। मैंने ब्रश लिया, ये साथ में नहीं आता है, ये अलग से घर पर पड़ा था तो मैं उससे लगा रही थी, बट उससे थोड़ा मुश्किल होता है आपको पूरा एक एक
सेक्शन पे लगाना पड़ेगा, क्लिप्स लगाने पड़ेंगे एंड देन टाइम लगता है इस प्रोसेस में, आराम से 30 मिनट लग जाते हैं. तो व्हाट आई डिड, मैंने बस ग्लव्स की मदद से अपने हाथों पर, सिंपली ग्लव्स के ऊपर ही, हाथों पे तो देखो ऐसे कलर लगेगा नहीं, सिरेमिक बाउल से कलर लिया और हाथों पे लगा करके इस तरह से एक एक सेक्शन पकड़ के मैंने लगा लिया. एंड मुझे आई थिंक इस चीज़ को करने में सिर्फ 6 मिनट लगे गिन करके. सो विच इज़ वेरी मच ईजी, टाइम कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया. एंड देन इसके बाद अपना रबर लगा करके साथ के साथ इमीडिएटली बन को टाई कर लें, अदरवाइज कलर आपकी नेक पर लग सकता है. 30 मिनट के लिए आप कलर को बालों पर रख लीजिए. उसके बाद आप नॉर्मली अपना जो शैम्पू यूज़ करते हैं उससे बालों को शैम्पू कर लीजिए, कंडिशनर अप्लाई कर लीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए एंड यू आर गुड टू गो एंड आपके हेयर कलर हो जाएंगे. दिस इज़ सो ईजी, बहुत बहुत आसान है इसको यूज़ करना. बहुत ही कम टाइम मुझे लगा ओवरऑल, आई थिंक 1 आवर के अंदर लगाने से लेके हेड वॉश वाला सारा कुछ मेरा ईजिली हो गया. बालों को बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर था, अब उतना डार्क ब्लैक नहीं है और थोड़ा सा जो गोल्डन ब्राउन का शेड है वो अच्छे से आ गया, स्पेशली धूप में वो शेड बहुत अच्छे से आता है. एंड इस कलर का जो मेन पर्पज़ है ग्रे और वाइट हेयर को कवर करना, वो मेरे अच्छे से कवर हो गए हैं. वैसे ज़्यादा है नहीं बट थोड़े बहुत है, वो अच्छे से कवर हो गए हैं. एंड बेसिकली मेरा मेन एम था आप लोगों को सिखाना कि किस तरह से आप घर पर आराम से हेयर कलर कर सकते हैं एंड पैसे बचा सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सलून जैसा इफ़ेक्ट आपको घर पर ही मिलेगा इतनी आसानी से, और आपके बाल रफ भी नहीं होंगे, शाइन भी होगी, आपका कलर अमोनिया फ्री भी है. तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बेसिकली दिखानी थी. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा. वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए. प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और ध्यान रखिएगा इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं तो आप अपना कोई भी अपनी पसंद का शेड जो है ख़रीद सकते हैं.